नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो किसी को मिसगाइड करने के लिए कतई नहीं है। ये वीडियो बनाने का तत्पर्य जो एक ही है हमारा, कि जो गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसको उजागर करने की ज़रूरत थी। तो जो टॉपिक है मेन आज का वही है, कजान फेडरल वर्सेस कजान स्टेट यूनिवर्सिटी। हम कुछ एविडेंस आपको दिखाएंगे जो कि प्रूव करेंगे विच वन इज अ बेटर। सी, अकेले WHO को दिखा के आपको प्रूव करने को जो ट्राई किया जा रहा है वो गलत है। WHO सालों से अपडेटेड नहीं है। जो बंदे कजान फेडरल कजान स्टेट को गलत बताने को ट्राई कर रहे हैं वो पहले अंदर अपने भीतर में जाके देख ले कि वो क्या चीजें प्रमोट कर रहे हैं पहले। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विच वन इज बेटर। मैं WHO को रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन उसकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। मार्केट में लोग क्रीमिया फेडरल कर रहे हैं, क्रीमिया फेडरल WHO की लिस्ट में दिख ही नहीं रही है कहीं पे। अब ढूंढ के दिखाइए, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जो कजान फेडरल को गलत बोल रहे हैं, कजान स्टेट को सही बोल रहे हैं। वर्ल्ड रैंक जो कंपनीज दे रही है, 4ICU.com देख लो या टाइम्स करके देख लो या फिर आप QR स्टार रैंकिंग देख लो, वो कोई पैसे खाने वाली कंपनियां नहीं है। वो एक जनरल सर्वे के बाद जो रैंकिंग देती है वो कंपनी है। तो वो कंपनी, एक कंपनी गलत हो सकती है, दो कंपनी गलत हो सकती, तीन तीन तो नहीं हो सकती है। हम देखेंगे अभी वन बाय वन कौन सही है कौन गलत है, वो क्लियर करने की मेरे को जरूरत लगी, उसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो हम आगे देखते हैं कजान फेडरल एंड कजान स्टेट के बारे में। हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं वो कजान स्टेट और कजान फेडरल के डिफरेंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कजान स्टेट सही है कि कजान फेडरल सही है, वो बात सही है, कंफ्यूज हो जाते हैं सेम नाम के अंदर सब लोग। लेकिन जो कजान स्टेट को सही बोल रहे हैं उनको मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कजान स्टेट को क्यों रिमूव किया गया था MCI से? अगर उतना ही बेहतर यूनिवर्सिटी था तो लास्ट ईयर कजान स्टेट को MCI से रिमूव किया गया था। आपको जानकारी चाहिए तो आप MCI के अंदर कॉल करके पता कर लीजिए, RTI कर सकते हैं। RTI करने का तरीका नहीं आता है तो हमको पूछिए, हम बताते हैं। बहुत ही सिंपल RTI करने का तरीका है, विदिन अ वन मंथ आपको आंसर भी मिल जाएगा। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उसके पेरेंट्स को 10 रुपया वेस्ट करना चाहिए। RTI इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर यू फॉर द ऑथेंटिक एंड जेन्यून आंसर। नो, डोंट ट्राई टू ट्रस्ट ऑन एनीवन। सी, ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी दिख रही है, गूगल में नंबर वन दिख रही है, यूट्यूब पे नंबर वन दिख रही है, उसके पीछे तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज जीरो ही है। वो अपने को सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनका। सी, आप एक तबेले के अंदर दूध लेने जा रहे हो जहां पे वो पैकिंग नहीं है, वो ठीक है, वो आप नहीं लेंगे शायद क्योंकि वहां पे गंदगी है, वही है। लेकिन वही दूध को अगर कोई अच्छे से पैकिंग में डाल दिया गया तो आप वहां पे खुशी खुशी ले लेंगे, आपको पता नहीं होगा कहां से आया हुआ है, वो गंदा है कि सही है। रीजन एक ही है कि उसका मार्केटिंग अच्छा किया गया है, उसका टैगिंग अच्छा किया गया है तो आपको वो चीजें अच्छी लगती है। सर, वो एक चीज की बात है, खाने की चीज है। जब बच्चे के करियर का सवाल की बात आती है तो ट्रस्ट मत कीजिए किसी के भी, मैं बोलता हूं मेरे पे भी मत कीजिए। मल्टीपल सोर्सेस को यूज करने की जरूरत है, मल्टीपल सोर्सेस को यूज करने के बाद डिसीजन पे आइए आप। कोई एक बंदा बोलता है तो वो भगवान नहीं बन के बैठा कि वो सही है, ना मैं सही हूं नहीं सामने वाला दूसरा बंदा सही है। आपको खुद से नॉलेज गेन करना पड़ेगा तभी जाके आपको पता चलेगा हु इज द राइट हु इज द रॉन्ग। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं तो आपके वहां पे होश उड़ जाएंगे। क्यों? देखिए आप, सबसे पहले जो वेबसाइट को एज ए एविडेंस ली गई है, सबसे पहले WHO डायरेक्टरी गूगल में जाके सर्च कीजिए। अभी ये जो कंपनी ने वीडियो बनाया था वो कंपनी का नाम मैं लूंगा तो गलत होगा, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बताऊंगा आपको पता चल जाएगा।
वर्ल्ड डायरेक्टरी, यहाँ पे जाके सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी, वो लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं? क्रीमिया। क्रीमिया कौन सा है सर बच्चों? क्रीमिया कौन सा यूनिवर्सिटी है? इट्स अ फेडरल यूनिवर्सिटी, नॉट अ स्टेट यूनिवर्सिटी। इफ फेडरल इज अ रॉन्ग थिंग देन व्हाई दे आर प्रमोटिंग द फेडरल ऑफ क्रीमिया? बिकॉज द एज अ फेडरेशन गवर्नमेंट दे हैव ओनली द लाइसेंस, दे विल ओनली टीच इन इंग्लिश मीडियम, नॉट इन रशियन मीडियम ऑल्सो। फेडरल होने का मतलब ही ये है। अगर मैं यहाँ पे क्रीमिया को सर्च करता हूं, WHO के लिस्ट में क्रीमिया का नामो निशान नहीं है। दूसरी बात, चलो यहां पे मैं जाने देता हूं, एक यूनिवर्सिटी दूसरी वो लोग प्रमोट करते, कौन सी है? दागिस्तान। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपको जज करना है तो दागिस्तान भी तो रशियन है। वाई दे आर सेंडिंग स्टूडेंट टू द दागिस्तान ऑल्सो? सर वो लोग जो बातें कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफी बच्चों को जो वो एक वर्ड बोले है, बहुत सही बोले है, क्योंकि वो उनका काम है, रेगुलर एक्टिविटी है उनका। कुछ दिखा के कहीं और पे भेजना वो तो उनका रेगुलर काम है। लास्ट ईयर लव यू के नाम पे बच्चों को उठा के मई मंथ में जो बच्चों ने एडमिशन किए थे, अगस्त में बच्चों को लास्ट में बोला जा रहा है कि तुमको भाई ज़ेप्रोचिया में एडमिशन दिया गया है। बच्चे के पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं होता है, बच्चा पेरेंट्स सब फंसे हुए है, उनको वो डिसीजन को फॉलो करना पड़ रहा है। ये उनके वर्ड उनको प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो रेगुलर एक्टिविटी है, दिखाना कुछ और भेजना कहीं और पे। इस साल भी काफी सारे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस हो चुका है, नानजिंग में चाइना के नाम से एडमिशन उठाया जा रहा है और बच्चों को कहीं और पे डाला जा रहा है। अगर वो बच्चे, ये पेरेंट्स या बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रिप्लाई करें मेरे वीडियो के ऊपर, मैं सही हूं कि गलत हूं। और वो बच्चे वीडियो देखने के बाद वो कंपनी के नाम भी कमेंट में डाल के दिखाएंगे आपको, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। सो ये रशिया के अंदर ये WHO को देख के हम लोग जज नहीं कर सकते कोई भी चीज। और जो वो खुद बातें कर रहे हैं, उनकी कंपनी कितने साल पुरानी है? 5 साल 4 साल 6 साल का तो कोर्स होता है, एक बेच उनका खुद का रिटर्न नहीं आया होगा, दूसरों की बातें कर रहे हैं वो लोग। व्हाट इज द कजान फेडरल एंड व्हाट इज द कजान स्टेट? डोंट ट्राई टू जज फ्रॉम हियर। अगर मैं क्रीमिया की बात करता हूं तो क्रीमिया तो GMC की लिस्ट में भी नहीं है, जनरल मेडिकल काउंसिल UK की लिस्ट में भी नहीं है। वो लोग प्रायोरिटी में जो यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं, क्रीमिया एंड पाकिस्तान, दोनों यूनिवर्सिटी में अगर मीडिया फॉर्म इंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, क्रीमिया तो दिखेगा ही नहीं आपको यहां पे, दागिस्तान में आपको रशियन दिख गया। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर मैं बात करता हूं किस साइड को देखना चाहिए, टाइम्स रैंकिंग 2019, सी वो जो कंपनीज है वो एवरी ईयर लिस्ट को अपडेट करती है। यहां पे जो लिस्ट आता है अपडेटेड आता है। मैं अगर यहां पे बात करूंगा रशिया फेडरेशन, यहां पे आएगा कजान, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान नेशनल रिसर्च टेक्नोलॉजी की, कहीं पे भी कजान स्टेट का नाम नहीं है। आप देख सकते हो यहां पे कहीं पे भी है कजान स्टेट का नाम? अगर उतना ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होता तो टाइम्स वर्ल्ड रैंक जो है वो रेप्यूटेड माना जाता है, किसी के पैसे पे पलटा पे ये कंपनी नहीं है। जैसे ये कंपनी का वीडियो देख रहे हो तो पैसों के लिए ही भागने वाली कंपनी है, टाइम्स वर्ल्ड रैंक कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता है। ये वेबसाइट को छोड़ दो, चलो मैं दूसरे की बात करता हूं, 4ICU। यहां पे मैं कजान फेडरल की बात करते हैं,
यहाँ पे जो पहले तो टीचिंग का रेशियो देखिए आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्टाफ कितना है रेशियो 10.8। कितने परसेंटेज इंटरनेशनल स्टूडेंट है 11%। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल 68:32। मीन्स ऑलमोस्ट 50% फीमेल स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई कर रही है। तो ये बात हुई हमारी टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, जहां पे रैंक आपको दिख ही गया है कि कितना बेटर रैंकिंग है उसका 6081 से 800। अगर मैं यहां पे जाके चेक करता हूं तो यहां पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कंट्री वाइज। यहां पे आप देख सकते हैं कजान फेडरल 17 स्थान में आया हुआ है। डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन यहां पे जाके भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कजान फेडरल इट्स ऑन नंबर 1। बट जब आप उस पर क्लिक करेंगे, कंट्री रैंक है 8, वर्ल्ड रैंक है 754। और अगर मैं कजान स्टेट की बात करूंगा, ये रहा आपका स्टेट, कंट्री रैंक जा रहा है 300, वर्ल्ड रैंक जा रहा है 7776। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये यूनी रैंक है। इससे भी आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो तीसरा भी रैंकिंग आता है, क्यूएस स्टार रैंकिंग। यहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो स्टडी डेस्टिनेशन। यहां पे रशिया ले लीजिए आप, और यहां पे कजान फेडरल आप देख सकते हो कि गलत कोई भी वेबसाइट उसके बारे में नहीं बोल रही। और ये जो कंपनी इंडिया में एक सीमित लेवल पे बैठी हुई है वो इसके बारे में गलत बोल रहा है, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है रशिया की। और वो लिस्ट भी कौन सा दिखा रहा है आपको, मैं दिखाता हूं। अरे सर, कोई भी छोटा बच्चा समझ जाता है कि ये गलत है, इसका नॉलेज कहां से ये लेके आता है ऐसे गलत नॉलेज। इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कभी भी किसी को रैंकिंग नहीं देती है, पहली बात। कहां से नॉलेज मिलता है इसको? अगर मैं बात करूंगा एजुकेशन में, स्टडी इन रशिया, ये रशियन गवर्नमेंट ने लिस्ट रखा हुआ है, बराबर है। ये लिस्ट जो है वो कोई रैंक वाइज नहीं दिया हुआ है, ये अल्फाबेटिकली नेम है। दूसरी बात, अगर रखा हुआ है, अगर मैं ऐसे रैंकिंग की बात करूंगा तो यहां पे तो 15 नंबर पे कजान फेडरल दिखा रहा है, 15 रैंकिंग हो गया उसका। सबसे गलत चीजें ये दिखा रहा है यहां पे। तो सी, कजान फेडरल कजान स्टेट को कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं होती है यहां पे, कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कजान स्टेट कहीं पे भी कजान फेडरल के आसपास में नजर नहीं आ सकती है, उसका रैंक कहीं पे भी उसको बीट नहीं कर सकता है। और जो मिसगाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपरली गाइड करने की जरूरत है, इसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है इससे शायद मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाया हूं, इससे ज्यादा नॉलेज देने की मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि तीन तीन वेबसाइट जब उसको एक रैंक दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखने की जरूरत है, लास्ट ईयर 2018 में कजान स्टेट जो थी एमसीए के लिस्ट में ही नहीं थी कहीं पे भी,
सबसे पहला क्वेश्चन आप कीजिए, कजान स्टेट को रिमूव क्यों किया गया था सर? उसके पास आंसर नहीं मिलेगा. उसको पूछिए दागिस्तान सर क्यों प्रमोट कर रहे हो अगर वो रशियन मीडिया में, तो उसको पूछिए क्रीमिया क्यों प्रमोट कर रहे हो, वो भी फेडरल है, क्रीमिया स्टेट क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हो आप? सी, गलत लोगों से बच के रहिए, मुंह में रजनीगंधा डाल के जो बोलने वाले लोग है उसको रजनीगंधा डाले बिना एनर्जी नहीं मिलती है, वो बच्चों को शिक्षा क्या देगा? खुद व्यसनी बंदा है वो दूसरों को शिक्षा क्या देगा? जब एजुकेशन की बात आती है तो बंदा सामने वाला निर्व्यसनी होना चाहिए. एज ए टीचर, एज ए करियर गाइड, आप अगर किसी को दिखा रहे हो रास्ता तो पहले तो आपका खुद का लाइफ उजागर होना जरूरी है. आप कोई गलत संगत में नहीं होने चाहिए. जो खुद ही गलत संगत में डूबा हुआ बंदा है वो बच्चों को क्या गाइड करेगा? पेरेंट्स को समझने की जरूरत है. मैं बस आज के लिए यहां पे विदाई लेता हूं आपसे. अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा चाहता हूं. हाँ, लेकिन जो बंदे बुरा कर रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है उससे क्षमा मेरी नहीं मांग सकता मैं. उनको पेनल्टाइज करना चाहिए. बहुत बुरा कर लिया क्योंकि सामने बोलने वाले कम थे. किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू और उसको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी एडवाइस की जरूरत है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू. वी डोंट वॉन्ट टू टारगेट ऑन अर्निंग मनी. वी जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड द बेटर ऑप्शन टू द स्टूडेंट एंड वॉन्ट टू क्रिएट द बेटर फ्यूचर फॉर अवर कंट्री. इट्स अवर टारगेट. झूठ मूठ की प्रोडक्ट डिजाइन करके उसको दिखा के एक हाउ क्रिएट करके देने की जरूरत नहीं मेरे को लग रही है. बच्चों को एटलीस्ट MBBS में एंटर तो होने दो, उसके बाद PG की बातें करेंगे हम लोग. PG के ऑप्शन है, हमारे पास भी वर्क किया हुआ है, हर एक चीज अवेलेबल है. जो चाहिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. आपको फर्स्ट ईयर से चाहिए हम लोग देंगे और बेटर रेट देन अदर. इट्स अवर गारंटी. इवन कंसल्टिंग चार्ज की बात में मैं बात करता हूँ, आप कोटेशन लेके आइए मेरे टेबल पे रखिए, उससे 10,000-20,000 कम करके दूंगा मैं, अगर आपके पैसों की काउंटिंग हो रही है तो. सिर्फ बच्चों की लाइफ को कहीं पे भी मिसगाइड होने मत दीजिए. ये मेरी राय है, मेरा सुझाव है आपके लिए. धन्यवाद.